शादी के फंक्शंस खत्म हुए, अब थकन भी उतर जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। हाँ अब्बा, अब तो घर पे दो दो बहुएं हैं, घर की रौनक भी तो बाला हो गई है। अभी तक मुबारकबादों के फोन आ रहे हैं। ये तो अभी जरा हम बाहर जा रहे हैं, देर से आएंगे, खाना भी बाहर खाएंगे। हाँ हाँ जरूर जाओ बेटा, यही दिन होते हैं घूमने फिरने के। असल में सबा के बहुत लंबे प्लान हैं, इसने शॉपिंग भी करनी है और कह रही है डिनर पे भी जाना है। क्यों शॉपिंग क्यों, अभी तो शादी पे इतनी शॉपिंग हुई है। अम्मी वो कपड़े जरा आउट ऑफ फैशन थे और कुछ के कलर्स तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, वो मेरी चॉइस जरा डिफरेंट और यूनिक है ना। अम्मी कोई बात नहीं, सबा की पसंद शायद थोड़ी मुख्तलिफ है। लेकिन बेटा हमने बहुत मेहनत से तैयार करवाया था वो सब कुछ तुम्हारे लिए स्पेशली। जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। चलो तुम अपनी पसंद से ले लेना सब कुछ, वैसे भी वो सब चीजें सेबू की पसंद की थी, हर एक की चॉइस डिफरेंट होती है। अम्मी ठीक, जैसे तुम लोगों की मर्जी। चले अम्मी फिर हम चलते हैं। हाँ चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जेबू तुम्हारे हाथ का चीज ऑमलेट खाऊंगी आज मैं, चाव बनाओ मेरे बच्चा। ठीक है आपा? हाँ ठीक है, बस मेरा ख्याल है कम कर दो प्लेट्स, वो दोनों तो नाश्ता भी बाहर ही करेंगे।